रविवार को भी राजधानी में गर्मी की चुभन बरकरार रही। दिनभर तेज धूप खिली रही। खास बात ये कि अधिकतम के बाद अब न्यूनतम तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ऐसा ही मौसम सोमवार को भी बना रहेगा, जबकि मंगलवार को बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 40.9 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 30-60% तक रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे अधिक गर्म इलाका रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शनिवार की तरह रविवार को भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि धूल भरी आंधी चलेगी, लेकिन दोनों दिन पूर्वानुमान गलत साबित हुए। सोमवार के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 42 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ मंगलवार को तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। कुछ दिनों की बारिश के बाद मौसम ने करवट बदली। दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की चेतावनी जारी की। चक्रवात मोर्चा के कारण कई राज्यों में भारी बारिश भी जारी है। बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया। रविवार से अगले 4 दिनों तक ये तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन मोर्चा की वजह से अंडमान और निकोबार में भी हल्की बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी असम में भी बारिश होगी, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में तेज रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हवा के साथ तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन मोर्चा की वजह से अंडमान और निकोबार में हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम में भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं त्रिपुरा, मिजोरम, दक्षिणी मणिपुर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए मौसम विभाग ने बताया कि 14 मई से 17 मई तक तेज बरसात होने वाली है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में 14 और 15 मई, असम और मेघालय में 14 से 17 मई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13 से 17 मई के बीच भारी बरसात होगी। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 14 से 16 मई के बीच भारी बरसात होगी। बीते दिन की बात करें तो 44 से 46 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी राजस्थान में दर्ज किया गया। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव की स्थिति रही। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल में 15 और 16 मई, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में 15 से 17 मई के बीच हीट वेव की नई लहर आने वाली है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।